व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। आज हम वीडियो देखने वाले हैं जिसमें पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन होने वाला है विराट कोहली की बैटिंग को लेके। तो क्या कुछ वहां के लोग ना, मेरे हिसाब से भाई जो बैटिंग करी ना, पूरी दुनिया में फैन तो वहां पे भी सभी तारीफ, और विराट कोहली फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत तगड़ी है। तो सना अमजद के चैनल से है, उर्जा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनके चैनल पे ऐसी और पब्लिक रिएक्शन वीडियोस आप देख सकते हो। बाकी हमें सर्च भी कर सकते हो, तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक कमेंट करिए, लेट्स गो। नंबर 1 बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने कि वो ले गया, ये अनुष्का की दुआई थी उसके साथ। विराट कोहली ने साबित कर दिया कि कप्तान होना लाजमी नहीं है, अपनी टीम को जितवाना है और अपनी टीम के साथ चलना है, ये बात है। तो विराट कोहली की अगर बात खोद कही जाने कि वो टाइमिंग प्लेयर है, उनके जो है ना मुकाबले में कोई है नहीं। नवाज एंड वाले ओवर पे प्रेशर में आया था, उसके चेहरे से पता चल रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, बोले उसको समझ नहीं लग रही मैंने बॉल फेंकनी किधर है। आपका नाम? इंटरेस्टिंग वीडियो। अब्दुल रहमान होने वाली है। मोहम्मद वकास, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? सब लोग कह रहे हैं कि हमने जीता हुआ मैच जो है वो इंडिया को दे दिया। और क्या कहना, जीता हुआ मैच था, 15 ओवर में मैच फिनिश था, तो हम लास्ट बॉल पे हार पे, बस यही हमारा सा। क्या लगता है कहाँ कहाँ गलतियाँ? गलती तो 12वीं ओवर से गलती शुरू हो गई थी ना, जब इन्होंने स्पिनर यूज़ किए, वो नवाज ने ओवर करवाया, 3 छक्के ला के कोई बात नहीं, उसे फिर ओवर करवा लेता, इसलिए नसीम शाह को ओवर दे दिया, उसकी जगह बनती नहीं थी। इनको चाहिए था कि एंड पे लास्ट बॉलर के फास्ट बॉलर का ओवर बनता है ना, ये स्पिनर ले गया लास्ट आके, तो चले लेके जाए मैच, इनको तो मैच एंड तक लेके जाते हैं हमेशा, इनका काम यही है। पहले ये सोचते नहीं कि 15-16 अपने फिनिश करे मैच, ये गलती तो हमारी अपनी है, जीता हुआ मैच था, मैच देख रहे हार गए। क्या कहेंगे, इंडिया ने एंड तक फाइट की है, मतलब हमें ये लग रहा था कि इंडिया मैच हार गया, लेकिन इंडिया ने एंड तक खेला और बता दिया कि टीम इंडिया नहीं, इंडिया ने देख लिया ना, जब इन्होंने स्पिनर लगा के मैच इजी ले गए थे, इंडिया समझ गया कि अब मैच खत्म है, ये इजी ले गया, अब हमने मैच निकालना है, वो निकाल गया। नंबर 1 बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे क्या कहेंगे आप आज के मैच के हवाले से? हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी आपको कैसी लगी? देखें जी, मैच के हवाले से ये है कि मैच तो हम पहले ओवर में हार चुके थे। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली ओपनर बैट्समैन है ही नहीं है हमारे। अच्छा। प्लेयर T20 का छोड़ें, ओपनर तो है ही नहीं है वो। हमारे पास फखर जमान था, उसका चांस आज बनता था, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था वो, और उस पर शान मसूद थे। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए आ रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शान मसूद की पिछली दफ़ा आपने देखा होगा, क्वांटी का आज भी अच्छा खेला, तो शान मसूद को जो चांस देना चाहिए था, ये वन डाउन या थर्ड डाउन पे आता तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती, लेकिन मैच हम शुरू से पहले ओवर से हार चुके हैं। इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की है। देखिए बात ऐसी है ना कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बॉलिंग भी हमारी अच्छी रही है, जब 4 विकेटें गिरे ना, तकरीबन 85% पाकिस्तान का चांस बन गया था, तब बन गया था, नो डाउट मैं मानता हूँ। हार्दिक पांडे जब आए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है ना स्टार्टिंग में बॉल को रोका है, क्योंकि प्रेशर था उस टाइम इंडिया पे, अगर उस टाइम उनकी विकेट गिर जाती तो इंशाल्लाह मैच हमारी था, लेकिन उन्होंने बॉल को रोका है, 3-4 ओवर बड़े सुकून से उन्होंने खेले, उसके बाद उनको समझ लगी थी कि बॉलिंग पिच है, यहाँ पे बॉल करें, यहाँ पे हमने शॉट खेलने। जब शदाब को उन्होंने ओवर दिए, शदाब को जब पड़ा है पहला 2-1 छक्के पड़े, उसके बाद नवाज को पड़े, उनका हाथ खुल चुका था, उसके बाद फिर उन्होंने क्या ना नसीम शाह को जब ओवर दिए, नसीम शाह को भी पड़ा है, तो कहने का मकसद ये कि उस टाइम अगर विकेट गिर जाती तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान जीता है, लेकिन खैर खेल है, हार जीत होती रहती है, ये अच्छी हमें बात। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, और इंडिया है कोई बात नहीं, आज वो जीत गए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जीते। बाबर और रिजवान के बारे में क्या कहेंगे, आते ही क्रीज पर वापस चले गए? देखिए सबसे पहले तो बाबर को T20 का प्लेयर नहीं है मैं नहीं मानता, वो टेस्ट का और वनडे का है, इनको पहले नंबर पे उसको खिलाना नहीं चाहिए, अगर खेलाना चाहिए उसको तीसरे नंबर पे आना चाहिए ना, इनको लेफ्ट और राइट का कंपटीशन करना चाहिए, वो बॉलर पे प्रेशर होता है। अच्छा, ये दोनों राइट आ जाते हैं फिर वो आउट हो गए, दोनों बैठ जाते हैं, फिर चले चल जे पकड़ फिट हो गया उसको खिला लेते, बाबर रिजवान के साथ आ जाता, वो बाबर को थर्ड डाउन आ जाता, लेकिन नहीं उन्होंने किए नहीं, उसको जी वो फिट नहीं है, ये है वो, बाबर T20 का बैट्समैन नहीं है, वो वनडे का और टेस्ट का बैट्समैन। जब बाबर आजम चलता ही नहीं है तो उसको बार बार चांस क्यों दिया जा रहा है? वो कप्तान है हमारा, वो वनडे में स्कोर कर रहा है जी, टेस्ट में स्कोर कर, इसलिए उसको अब खिलाई जा रहा है, छोड़ नहीं सकते, ये तो हमारी कमी है ना, इसी वजह से हम पीछे रह गए। ऑस्ट्रेलिया देख ले, वो एक बंदा उनका सेंचुरी मारेगा, वो दूसरा बंदा दोबारा ट्राई करेंगे, वो भी 100 मार के जाएगा, कि उनको पता है कि हमारे पास पीछे है मैच पे लोग हैं, हमारे पास मैच पे कौन है। अब देखिए आसफ अली को खिलाई जाती है, 50 इनिंग उठा के देख ले, 200 स्कोर नहीं होगा उसका, किसने रखा हुआ कि छक्के 2-3 मार देता, सारी टीम खराब की हुई है। भाई मशरूम को खिला ले, राउंडर है मोहम्मद वसीम, उसको खिला ले, माधव सिंह को खिला ले, इतना अच्छा राउंडर है वो भी, लेकिन नहीं, ये खुद ही सिलेक्टर सिफारिशों में चलते हैं, पैसे उनको मिलते हैं, वो सिफारिशें बड़े बड़े लोगों की आ जाती है, जैसे वो हमारे MNA MPA को सिफारिशों पर टिकट दिलवा देते हैं, वैसे इनका यही हाल है। अच्छा मुझे ये बताया,
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी या प्रेशर में आ गई थी? नहीं, प्रेशर पुरशर नहीं, पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, उसके बाद नवाज एंड वाले ओवर पे प्रेशर में आया था, उसके चेहरे से पता चल रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, बोले उसको समझ नहीं लग रही थी मैंने बॉल फेंकनी किधर है, ये कोई ज्यादा लॉजिक थोड़ी थी। उसकी स्पीस भी है थोड़ी सी, स्पिन भी अच्छी करता है, कि चले वो उसने ओवर निकाल जाना था, लेकिन वो नवाज साहब के चेहरे से पता चल रहा था जो हो रहा था उसके आगे देखे थे आपने। अब पूरा पाकिस्तान रो रहा है इन लोगों की वजह से। देखिए जी, पाकिस्तान तो रोना ही है, अगर ये इस तरह चलते रहेंगे और अगर सिर्फ वही बात जो पहले चल रही थी, दोस्ती यारी चल रही है टीम के अंदर, तो वो चलेंगी तो फिर हमने रोना है, तो हम अभी से रोने के लिए तैयार हैं, पूरा वर्ल्ड कप सर पे है और ये सूरत हाल रहेगी तो फिर हैदर अली को आप मुझे बताएं किस वजह से उसको रखा हुआ है, पिछले 8-10-11 जितने मैच आप सोचें उसमें किसी में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी जगह वसीम जूनियर अगर होता तो आज हमें लास्ट ओवर में ये मसला पेश ही नहीं आता। तो अब ये एक अगले जो मैच हैं, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए भी और उनके लिए भी, ये मैच इस ग्रुप के अंदर जो मैच जीत जाएगा उसके लिए आगे बड़ा इजी हो जाएगा, फिर क्योंकि ये एक मैच यहाँ से ये जीत चुके हैं, आगे फिर क्या है सर, छोटी टीम है उससे कोई भी जीत जाएगा, इंडिया के पास अब अच्छा मौका है कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा, विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे, बड़ा डट के खेले हैं उन्होंने, ये साबित कर दिया कि किंग इज किंग, नंबर वन बैट्समैन ऐसे तो नहीं ना है विराट कोहली, बिल्कुल सही बात, जब इन्होंने इजीली लिया उसको समझ आ गई, उसने रोका है, उसने खुद को रोका है कि कोई बात नहीं मैं कर जाऊंगा, उसे अब खुद पे बिलीव था ना कि मैं कर जाऊंगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस से उसने फायदा उठा लिया, वो कर गया। आप क्या कहेंगे? ये अनुष्का की दुआएं थी उसके साथ, ये बात है कि आज हमारे जो अटैक बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन आज पता नहीं उसकी बॉलें समझ नहीं आ रही थी कि अटैक उसका अच्छा था ही नहीं, पहले ओवर उसने ऐसे किया जैसे कि डेड बॉल करवा बच्चा सामने था उसको नीचे बॉल दी जा रहे, अटैक उसे हो नहीं रहा और कोई समझ नहीं रहा, कोई सीख शाइन की बॉलिंग अच्छी नहीं थी, प्रॉपर फिट नहीं लगा मेरे को बॉलिंग वाइज, वो पहले स्लो थी बॉलिंग, अब उसको चाहिए कि अच्छा कम बैक करे, उससे अच्छा तो नसीम शाह है, हालांकि वो जूनियर इस टाइम, लेकिन फिर भी नसीम शाह की बॉलिंग उससे काफ़ी बेहतर है, उसको चाहिए कि वो अटैक बॉलर है, उसको जो है ना अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल वेल एंड गुड रखनी चाहिए, और एंड वाले ओवर में उसने तकरीबन 16-15 स्कोर उसने खाया और हारिस रऊफ ने 3-4 बॉलें बहुत अच्छी की, लेकिन आखिरी दो जो है ना उसको छक्के पड़ गए विराट कोहली से, और विराट कोहली की अगर मैं बात करूँ विराट कोहली जो है इस टाइम वो टॉप 10 पे ही है, ठीक हो गया, किंग की बात नहीं, असल में पता है क्या बात होती है, टाइमिंग की होती है, प्रेशर टेम्परामेंट होता है, किस तरह प्रेशर, वो हमेशा अपना जो है ना माइंड बिल्कुल कूल करके खेलता है, उसको पता है कि भाई हार जीत तो है लेकिन मैंने जो है ना अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, हालांकि रोहित शर्मा जो है ना इस टाइम हमारे उनके कप्तान है, लेकिन विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि कप्तान होना लाजमी नहीं है, अपनी टीम को जितवाना है और अपने चलना है, ये बात है। तो विराट कोहली की अगर बात और कही जाने कि वो टाइमिंग प्लेयर है उनके जो है ना मुकाबले में कोई है नहीं, हालांकि बाबर आजम उनको कंबाइन किया जाता है, लेकिन आज हमारे जितने बाबर आजम के जितने भी आप मैच देख रहे हैं एशिया कप में कोई नहीं, 4-2 जैसे कि पता नहीं था हम कोई मुकाबला हुआ है कि 4-2 स्कोर करने से आगे आपने जाने, इससे अच्छा तो गली मोहल्ले के लड़के खेल लेते हैं। देखिए रिजवान की अगर बात करें, रिजवान माशाल्लाह अच्छा प्लेयर है, ठीक हो गया, अगर एक आधे मैच में वो नहीं चल पाता इसमें उसका कसूर नहीं है, वो अपने तरफ अच्छा करता है, कोशिश जितनी उससे होती है, उसने एशिया कप में माशाल्लाह अच्छा स्कोर किया, 70-75 जितना उससे हुआ है, लेकिन आज अगर उसने नहीं किया तो कोई बात नहीं, बाकी शान मकसूद का देखा जाए उन्होंने अगर 50 ना करते और इफ्तिखार ना करते तो हम 50 में हम और टीम बुक हो जाती, लेकिन ये उनकी एफर्ट थी कि उन्होंने 159 स्कोर किया यहाँ तक लेकर के, और जब आप स्टार्ट अच्छा ले रहे हो तो फिर आप एंड पे ये कार क्यों करते कि दिखा रहे हो कि भाई आप मैच हार जाओ, 3 ओवर में कम से कम 18 बॉल में कोई 35 स्कोर था, 35 स्कोर नहीं हो सकता था, लेकिन उन्हें बॉल लेवल ही था, बॉल का पिच इतनी लेवल की थी लेकिन उनसे बॉल हो ही नहीं रहा था, और उसकी बात कीजिए नवाज की बात कीजिए, आखिरी ओवर नवाज का बनता ही नहीं था, क्योंकि अटैक बॉलर होता है वो, आखिरी ओवर था वो निकाल लेता है, नवाज जो है वो उसकी गलती नहीं है, ठीक हो गया, ये बाबर की गलती है कि बाबर ने आगे पिच ओवर किए हैं इस टाइम, शदाब को दिए, शदाब ने 2 ओवर अच्छे निकाले तो फिर शदाब को दे दिए, लाजमी नहीं कि 1-2 ओवर अच्छे निकाले कि उसके बाद भी अच्छे निकालेगा, आपको चाहिए एक तो स्पिन निकालो उसके बाद एक तो फास्ट करो ताकि सीक्वेंस है बात चल सके। मैं बात करता हूँ, पहली बात तो ये अच्छा लगता है कि जब पब्लिकली वो लोगों को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना, क्योंकि जैसे हम भी हैं कोई भी हो सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सबकी सोच अलग होती है मैच को लेके, वो नहीं है कि भाई पाकिस्तान से है तो मतलब ये नहीं है कि मतलब उन्होंने ना खुले चीज मैंने देखी है पाकिस्तान में भाई, ये चीज है कि विराट कोहली की तो हमेशा मैंने तारीफ सुनी है क्योंकि यार उस बंदे ने इतनी मेहनत करके जो टेम्परामेंट आज जो मुकाम हासिल करा और इतने लंबे अरसे से खेलते आ रहे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, वो कहते हैं सर्विस देना इंडियन क्रिकेट टीम को बिल्कुल, और
वो वाली बात, लोग रोए उसके साथ और क्या चाहिए अभी लोग। मैं भी इंस्टा स्क्रॉल कर रही हूँ, उस पर इतने लोग इतने इमोशनल हो गए उसको देख के। सेल्फ बिलीफ जब आपके अंदर होता है ना कि भैया कर जाएंगे, और वो चीज मुझे कहीं ना कहीं अब हार्दिक पांडे में एक वो दिखने लगी है। जिस तरीके से एक साल में हार्दिक पांडे चेंज हुआ है ना, जब वो इंजरी में वापस गए थे, उसने खुद भी इंटरव्यू में बताया कि मैं जब से एक साल बाद वापस आया हूँ तो मैं बहुत थैंकफुल भी हो गया हूँ कि इतने सारे लोगों के सामने खेलने का मौका मिल रहा है। हम इतने वो है स्पेशल, एक वो कहते हैं ना कि हमें वो ग्रेटफुल फील करते हैं उस चीज के लिए। नहीं तो कईयों में वो आ जाते हैं ना कि मैं, हम तो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हम तो ये खेल रहे हैं। उसने कहा कि मैं जब एक साल में अब वापस आया हूँ तो मैं एक एज अ ह्यूमन बहुत इंप्रूव हुआ हूँ, एक बेटर वर्जन। जैसे कि पहले होता था कि इससे बात नहीं करनी, इससे एटीट्यूड दिखा दिया इसने मेरे को, ऐसा बोलता है, अब मैं खुद जाके बात करता हूँ और वो चीज हो गई। और फ्यूचर कैप्टन कहीं ना कहीं मुझे हार्दिक पांड्या में दिखता है इंडियन क्रिकेट टीम का आने वाले टाइम में, और इस चीज से मेरे हिसाब से काफी लोग अग्री भी करेंगे। और हमने आईपीएल में भी उनकी कैप्टनसी देखी है तो, और लेकिन ये जो मैच था ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस मैं कहूंगा। देख ले आखिरी मैच है भाई, जिसको सच में दिल की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था ये मैच देखना। मैं बता सकता हूँ मेरे को ऐसा हो गया था, हाथ कांप गए थे मेरे। मैंने कहा भैया अगर ये मैच अब चला गया ना तो ऐसा लगेगा कि भैया भूख लगी थी, आदमी के सामने से खाना उठा लियो, इतना क्लोज। एक टाइम पे तो उम्मीद छोड़ देना, 99% चांसेस थे कि इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट था जब चार विकेट गिर गए थे 31 रन पे, लेकिन वहां से कमबैक करना, एक टेम्परमेंट दिखाना। और ओवरऑल अगर मैच की बात करी जाए, सबका बहुत ही तगड़ा रोल था, बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज, फील्डिंग वाइज। और एक सूर्य कुमार ने कैच पकड़ा था, इतनी ऊपर गई थी बॉल, कितना इजीली दिखाया हुआ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट कैच होते हैं वो। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ग्राउंड बहुत बड़े हैं ऑस्ट्रेलिया के, ये हर कोई बोल रहे हैं। अगर 5 over 50 रन इंडिया के मैदान में बनाए तो 99% चांसेस बैटिंग वाली टीम जीत जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि छक्के मारना बहुत डिफिकल्ट है वहां पर, बहुत ज्यादा, और वहां रन भाग भाग के ज्यादा बनाने पड़ते हैं। लेकिन मैं एक चीज मैं तारीफ करूंगा पाकिस्तान की बॉलिंग की फिर भी, लेकिन शाहीन की कहीं ना कहीं मैं बताऊँ, शाहीन शाह अफरीदी जो है मुझे फिट नहीं लगे, क्योंकि जो तेज तर्रार बॉलिंग है, 145 प्लस बॉल डालने की उनकी क्षमता है वो नहीं दिखी मुझे, 130-135 की रेंज में ही दिखी उनकी बॉलिंग। वहीं पर नसीम शाह की बात करूँ, अगेन माइंड ब्लोइंग बॉलिंग, और रॉफ वो तो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग भी खेलते हैं तो उनका उस ग्राउंड से भी, और क्या स्पीड, स्पीड की अगर बात करूँ एक नंबर स्पीड है भाई। एज अगर आप क्रिकेट लवर हो ना तो आप उनकी बॉलिंग देखना पसंद करोगे ये चीज़, और एग्रेशन दिखता है उसकी बॉलिंग में भी। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, और ऐसी वीडियोज आप सना अमजद के चैनल पर आप देख सकते हैं आराम से, सर्च भी कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।